जेडीज किचन में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और दोस्तों में शेयर करने के लिए, इंस्पायरिंग कमेंट्स के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवी और सज्जनों, आज हम बनाएंगे हॉट डॉग, काठियावाड़ी हॉट डॉग, वेजिटेबल हॉट डॉग। ये इंडियन स्ट्रीट फूड चीज़ी है, स्पाइसी है, टेस्टी है, मसालों से भरपूर है, डिलीशियस है और टेम्पटिंग। दोस्तों, ये हरा धनिया, 6-7 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, छोटा अदरक का टुकड़ा, इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और 4 आलू है जिसको हमने स्टीम कुक कर लिया है। दोस्तों, बेसन के चीले के लिए 1 कप बेसन लिया है। बेसन में ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा, ये रिफाइंड फ्लोर को डाल दिया। स्वादानुसार नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, और नमक के बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर कलर के लिए, और ये डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बना लेंगे, स्मूथ बैटर बनाएंगे, लंप फ्री बैटर बनाएंगे, मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। हमारा बैटर पतला होगा, स्मूथ होगा। देखिए दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी सही है, परफेक्ट है। दोस्तों, आप चाहो तो इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल सकते हो। हमारा बेसन के चिले का बैटर रेडी है, उसे साइड में रख देंगे और तैयारी करेंगे स्टफिंग। गैस को ऑन करेंगे और एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून पीनट ऑयल। तेल गर्म होने पर डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग और ये 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर को डालकर मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये 4-5 करी पत्ते को बारीक बारीक काट कर डालेंगे फ्लेवर के लिए और मिक्स कर लेंगे। ये हरी मिर्च, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, उसको डालकर सोते कर लेंगे, भून लेंगे। इसकी फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त खुशबू है। हमारा मसाला भून चुका है, अब उसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, उसे डालेंगे और मिला लेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और फिर से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आलू को थोड़ा मैश कर लेंगे, स्मैश कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आखिर में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून और फिर से मिला लेंगे। लुकिंग गुड, हमारा स्टफिंग रेडी है। चख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, परफेक्ट। जिंजर, गार्लिक और हरे धनिया की बेहतरीन जुगलबंदी। दोस्तों, ये 1 ओनियन, 1/2 कैप्सिकम और 2 छोटे छोटे टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है। दोस्तों, बेसन और मैदे के बैटर से चिले बनाएंगे। उसके लिए पैन को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। बैटर डालेंगे और पैन को ऐसे घुमाकर बैटर को फैला लेंगे। थोड़ा पीनट ऑयल डालेंगे और हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर डालकर पलट लेंगे। देखिए दोस्तों, बढ़िया कलर, बढ़िया डिज़ाइन, दोनों तरफ से पका लेंगे। अब स्टफिंग रखेंगे, आलू का स्टफिंग, टेस्टी स्टफिंग, और कवर कर लेंगे और पलट लेंगे। हमारा स्टफ पुडला तैयार है, उसे साइड में रख देंगे। इसी तरह से सभी बेसन के पुडले को तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे चिले चिपकेंगे नहीं। बैटर डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, रेड चिली पाउडर को डालकर पलट लेंगे। आलू का स्टफिंग रखकर कवर कर लेंगे और पलट लेंगे। दोस्तों, आप इसे ऐसे ही चटनी और सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हो, मगर हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। वाओ, लुकिंग ग्रेट। दोस्तों, पैन में बटर डालेंगे, थोड़ा सा पीनट ऑयल डालेंगे,
और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और हमारे हॉट डॉग बन को सेक लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों अब टोमेटो, कैप्सिकम और ओनियन का सॉस बनाएंगे। सॉस के लिए एक टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। हमारा बटर गर्म हो गया है, अब उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, हरा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ और एक टमाटर, सोते कर लेंगे, मिला लेंगे। बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, रेड, ग्रीन और वाइट। स्वादानुसार नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये काश्मीरी रेड चिली और गार्लिक की चटनी डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और ये एक टीस्पून रेड चिली पाउडर सॉस को थोड़ा स्पाइसी बनाएगा। आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए, और मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिखता है। बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और हमारे स्टफ चिले को रखेंगे, सॉस से कवर कर लेंगे, अच्छी तरह से ढक लेंगे और स्टफिंग वाले चिले को ध्यान से बड़े आराम से उठाकर ब्रेड के ऊपर रख देंगे और ये दूसरा हॉट डॉग बन पर भी रख देंगे। गार्निश करेंगे हरे धनिए से और डालेंगे चीज़। और लीजिए, हमारी डिश सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आपको ये काठियावाड़ी हॉट डॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन पर क्लिक करें। आने वाला नया साल आपके लिए खुशियों का उजाला लाए। हर संघर्ष में आपकी जीत हो, आपके हर सपने पूरे हो और आपके परिवार और दोस्तों में प्यार बना रहे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और हमारे साथ जुड़े रहे, इसी कामना के साथ आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मुबारक हो। धन्यवाद।